इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ईवी सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। यही देखकर ओला, एथर, टीवीएस ऐसी कंपनीज ने ईवी स्कूटर्स लॉन्च करे। इसी को देख के एक न्यू कॉम्पिटिटर होंडा एक्टिवा की 2024 की एंड तक आते आते होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक लॉन्च होने वाली है इंडिया मार्केट में। भाई अब मजा आएगा, टक्कर की गेम होने वाली है। अब तो डिजाइन की बात करी जाए, यस इसका डिजाइन थोड़ा फेमिलियर होगा जैसे कि होंडा एक्टिवा का था। थोड़े से चेंजेस आएंगे जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटीज में होते हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इसकी जो रेंज होगी 150 टू 180 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज हो सकती है। बैटरी और चार्जिंग की बात करी जाए तो अभी तक इस पर रिवील नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन हो सकता है कि जैसे बाकी स्कूटीज में है कि स्विचेबल बैटरीज हैं, तो इसमें भी ये ऑप्शन दे सकते हैं। फीचर्स की बात करी जाए तो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होगा जिसमें बैटरी चार्ज, स्पीड और ट्रिप मीटर ऐसी फंक्शंस उसके अंदर शो होंगे। अदर फीचर्स की बात करी जाए तो अदर फीचर्स में एलईडी हेडलैम्प्स, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम होगा, अंडर सीट स्टोरेज लाइकली टू बी इंक्लूडेड। प्राइस की बात करी जाए तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 टू 1.5 लाख एक्स शोरूम इसकी रेंज हो सकती है। एक्टिवा तो ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसी लॉन्च होगा हो सकता है भाई ये ईवी सेक्टर का मतलब मार्केट हिला दे। क्या लगता है दोस्तों, क्या ओला को ये टक्कर दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। सो ऐसी वीडियोस के लिए आप फॉलो कर लीजिए व्हाट्स नेक्स्ट खुला।